आज हम मंगोलिया के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। ये घोड़े का दूध क्यों पीते हैं और यहाँ के ज़्यादातर लोग अपना घर क्यों नहीं बनाते। वाकई ही इस गांव के लोगों की ज़िंदगी बाकी दुनिया से बहुत अलग है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मंगोलिया के बहुत से देहातों में खानाबदोश विरसा है, जहाँ के बशिंदे रवायती चढ़ावे पर ही अमल पैरा है, जो वसी घास के मैदानों में मवेशियों को चढ़ाते हैं। गांव के लोग गोश्त, दूध, ऊन और नकलो हमल के ज़रिए मुख्तलिफ जानवर जैसे घोड़े, भेड़, बकरी, मवेशी और ऊंट पालते हैं। घोड़े मंगोल गांव की ज़िंदगी में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं, जो नकलो हमल, चढ़ावे, रेसिंग और रवायती खेलों जैसे बजक्सी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा इन मंगोलियन घोड़ों से ही गांव वाले खाने पीने का सामान लेकर आते हैं और अपने घरों में खाने पीने या इनको गर्म रखने के लिए लकड़ियों भी इन्हीं घोड़ों पर ही लेकर आते हैं। कुछ देहात मौसमी हिजरत की पैरवी करते हुए बदलते मौसम के लिहाज से अपने मवेशियों के लिए साल भर मुख्तलिफ चरगाहों में जाते हैं, और जहाँ पर इन्हें चारे के लिए हरी घास और पानी नज़र आता है वहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर मवेशियों की खेतीबाड़ी पर ही निसार करते हैं, जो इनकी आमदनी का बुनियादी ज़रिया है। मिसाल के तौर पर जानवरों की खरीदो फरोख्त, दूध की मसनूआत और जानवरों से हासिल की हुई ऊन। मवेशियों की आमदनी का ज़्यादातर इन्हिसार दूध बेचने पर ही होता है, और यहाँ के लोग घोड़े के दूध पर ही ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, यानी कि घोड़ा इनकी ज़िंदगी में बहुत ही करामत है। गांव के लोग अक्सर ग्रैक्स में ही रहते हैं। ये रवायती गोल खेमे जो महसूस लकड़ी से बने होते हैं, खाना बदोसों के घर इस तरह से बने होते हैं कि इन्हें आसानी से कहीं भी लगाया जा सके और वक़्त आने पर फिर आसानी से पैक करके कहीं और इसी तरह से लगाया जा सके और अपने रहने के काबिल बनाया जा सके। इसी वजह से यह टेंट इन खानाबदोश ज़िंदगियों के लिए मौजू है। मंगोलियन देहातों में मजबूत बरादरी के ताल्लुकात हैं, जहां पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसा कि गली बाना, दूध पिलाना और घरों को खड़ा करने तक ये एक दूसरे की मदद करते हैं। वसी खानदान अक्सर एक ही गांव में एक साथ रहते हैं, जो कि वसाइल और ज़िम्मेदारियां बांटते हुए एक दूसरे का साथ देते हैं। यहां के रवायती खानों की बात करें, गांव वाले रवायती मंगोलिया के पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए जैसे उबली हुई पकौड़ी, तली हुई पकौड़ी, घड़े का खमीर शुदा दूध। गाँव के लोग डेयरी मसनूआत तैयार करते हैं, जैसे खुशक दही, कल्टी हुई क्रीम और खमीरशुदा दूध। मंगोलिया में खेतीबाड़ी ना होने के बराबर होती है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि होती ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ का मौसम एक सा नहीं, और इसके अलावा यहाँ की ज़मीन पथरीली और रेतली होती है। इसीलिए गांव वाले ज़्यादातर जानवरों का ही शिकार करते हैं, खासकर रशिया के करीब वाला बॉर्डर, जहां वो ज़्यादातर हिरन और यक का शिकार करते हैं। देहाती शिकार को एक खेल के तौर पर खेलते हैं, जिसमें मुरमुट, हिरन और जंगली सूअर के शिकार के साथ साथ जंगली बेर और पौधों को इकट्ठा करके अपनी खुराक में इजाफा करना है। गांव पीने के पानी, आबपाशी और मवेशियों के पानी देने के लिए दरियाओं, नदियों और कुओं पर ही इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा कुछ देहातों में इज्तमाई कुएं या पानी की जगह हो सकती हैं, जहां रिहायशी घरेलू इस्तेमाल और मवेशियों के लिए पानी जमा करते हैं। कुछ गांव रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक आलात को चार्ज करने के लिए या बिजली पैदा करने के लिए शमसी पैनल ही इस्तेमाल करते हैं।
गांव के लोग बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए रवायती जड़ी बूटियों के इलाज और तकनीकों जैसे एक्यूपंक्चर और हड्डियों की तरतीब का इस्तेमाल करते हुए आज भी सदियों पुराना ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। कुछ मंगोल देहातों में शामी तर्ज अमल और अकायद अब भी राइज है। शमन जो कि शफा तहफ्फुज और हानि रहनुमाई के लिए रस्मत अदा करते हैं और इसके अलावा बुद्ध मत का गांव की ज़िंदगी पर खासा असर है। गांव के लोग मजहबी तकरीबात और तालीमात के लिए मुकामी खाकाहों का दौरा करते हैं। अगर इनके त्यौहारों की बात करें तो देहात रवायती त्यौहार मनाते हैं जैसा कि नादम यानी कि कौमी खेल, तगस्कान सार, चांद का नया साल और ईगल फेस्टिवल जो कि मौसीकी रक्स और खेलों के मुकाबले के साथ मनाया जाता है। यहाँ के खानाबदोशों के लिए यहाँ की गवर्नमेंट खानाबदोश सरकारी मुलाजम भी होते हैं जो इन खानाबदोश लोगों की खिदमत के लिए काम करते हैं, जैसा कि गांव में चलते फिरते स्कूल होते हैं जिन्हें मोबाइल स्कूल कहा जाता है। मोबाइल स्कूल दूर दराज के देहातों तक जाते हैं जिनका मकसद खानाबदोश खानदानों के बच्चों को तलीम फराहम करना है। इसके अलावा कुछ देहातों में कम्युनिटी लाइब्रेरियाँ या पढ़ने के कमरे होते हैं जहाँ मकीन अखबारात, किताबात और तलीमी मवाद तक रसाई फराहम करते हैं। और इसके अलावा चलते फिरते मोबाइल क्लिनिक जो हेल्थ वर्कर्स गाँव के लोगों की सेहत की बुनियादी खिदमत फराहम करते हैं, जैसा कि वैक्सीन, जच्ची की देखभाल और सेहत की तलीमात। टेलीमेडिसिन जो दूर दराज के इलाकों तक देहाती टेलीमेडिसिन के ज़रिए सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई हासिल करते हैं, जहां के डॉक्टर और माहरीन फ़ोन या वीडियो कॉल के ज़रिए मशवरे कर सकते हैं। इसी तरह जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं। जानवरों के डॉक्टर मवेशियों के लिए तबी देखभाल, वैक्सीन और अफजाइश की खिदमात फराहम करने के लिए देहातों का दौरा करते रहते हैं। माइक्रो फाइनेंस के इकदाम गांव वालों को छोटे कारोबार और ज़रूरी सरगर्मियों में मदद के लिए क्रेडिट बजट और मालियती खिदमात तक रसाई फराहम करते हैं। और देहातों में ख़वातीन को कोऑपरेटिव की तरबियत भी दी जाती है ताकि ख़वातीन वसाइल और आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियों जैसे दस्तकारी और फूड प्रोसेसिंग के लिए मदद फराहम करके बाह इख्तियार बनाई जा सके। गांव में विलेज काउंसिल या असम्बलियाँ होती हैं जो फैसला साजी और गवर्नेंस में किरदार अदा करती हैं, जो मुकामी वसाइल और ख़र्चे को दूर करती हैं ताकि गांव वाले अमन व अमान को बरकरार रखें और जराइम की रोकथाम और तनाज़ात को हल कर सकें। कुछ देहात माहौलियाती सेहत को बढ़ाने के इकदाम को फ़रोग देते हैं जो रवायती खानाबदोश जिंदगियों का तजर्बा करने में दिलचस्पी रखने वाले ज़ाहरीन के लिए होम स्टे और गाइडेड टूर के तौर पर काम करते हैं। ज़ाहरीन यहाँ घोड़े की सवारी करते हैं, उकाब का शिकार करते हैं और रवायती दस्तकारी भी सीखते हैं। गांव की दस्तकारी की बात करें तो गांव के लोग दस्तकारी तैयार करते हैं जैसे कि चमड़े के काम और लकड़ी के नक्शों निगार जो मुकामी तौर पर फ़रोश किए जाते हैं या सयाहों को फ़रोश किए जाते हैं। तो ये तो थी मंगोलिया के गाँव की ज़िंदगी, लेकिन अगर आप कनाडा के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। ये रही रूस के गांव की ज़िंदगी और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।